हाय गाइस, दिस इज अंजलि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, और मेरा जो आज का ये व्लॉग है ये पैकिंग व्लॉग ही है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वैकेशन पे। और वैकेशन से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है पैकिंग, और एक दो दिन या कभी कभी हफ्तों से इसकी तैयारियाँ चल रही होती है। तो मैंने सोचा पैकिंग करते करते आपसे थोड़ी बातें भी कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि हम जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। और जब भी आप अपने डेली रूटीन से निकल के कहीं पे भी वैकेशन के लिए, आउटिंग के लिए जाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। एंड और ज़्यादा डबल एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा एनिवर्सरी वैकेशन है। हम 29th of November को हमारी एनिवर्सरी है, तो यस, उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं माथेरन। और मैं फर्स्ट टाइम माथेरन जा रही हूँ। हम लोग इनफैक्ट बहुत टाइम से माथेरन जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन हर बार पोस्टपोन होता जा रहा था। लेकिन यस, फाइनली इस बार हम जा रहे हैं। और माथेरन है एक हिल स्टेशन, तो अभी नवंबर लास्ट चल रहा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ी ठंडी भी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पैकिंग करनी है। तो अगर आप लोग भी माथेरन जाने की सोच रहे हैं या फिर किसी भी हिल स्टेशन जाने वाले हैं, तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें आपको पैक करनी चाहिए वो भी मैं आपसे थोड़ा शेयर करती हूँ। एंड अगर आप कहीं भी जा रहे हैं ना घूमने फिरने के लिए, तो पैकिंग करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है, सो दैट कि आप कोई भी सामान भूले नहीं रखने से, तो सबसे जरूर अच्छी बात होती है कि कैसे आप लिस्ट बना लें। तो मैंने एक लिस्ट बना के रखी कि क्या 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 सामान मुझे रखना है, और जैसे जैसे मैं उसे बैग में डालती जाऊँ उसे टिक करती रहूँगी। तो मैंने हाफ अनपैकिंग करके रख ली है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं हिल स्टेशन जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं रखूँगी इसमें वूलेंस। तो वूलेंस के मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप जैकेट या स्वेटर्स ही रखें। अगर आप कभी भी कहीं हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, स्पेशली आपके साथ छोटे बच्चे हैं, जैसे कि मेरे साथ मेरा नॉटी दक्ष होगा, तो स्वेटर एंड जैकेट्स तो रखने ही हैं, शॉल रखना चाहें वो रख सकते हैं, कैप, ग्लव्स, मफलर, सॉक्सेस, ये सारी चीज़ें रखी। तो वूलेंस मैंने सब रख लिए हैं, टिक कर लिया है। उसके बाद सेकेंड चीज़ है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स भी रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर आप कुछ कोई रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं तो वो सबसे पहले आप रख लीजिए। उसके अलावा अगर आप कोई भी मेडिसिन्स नहीं लेते हैं, फिर भी आपको कुछ ज़रूरी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी ही, स्पेशली अगर बच्चे हैं और अपने लिए भी, क्योंकि ऐसी ठंडी जगह पर जा रहे हैं, कभी आपको फीवरिश सा फील हो तो अपने लिए पैरासीटामोल, बच्चों के लिए फीवर की मेडिसिन, कोल्ड और कॉफ के लिए दवाइयाँ, एंड यस, मसल्स पेन के लिए भी मूव या ऐसा कुछ भी आप जो दवाइयाँ जो भी आप यूज़ करते हैं जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे मैं कोई मेडिसिन आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, तो जो भी आपको ठीक लगे वो अपने साथ रखिए, क्योंकि आप यस हमें कब कहाँ किस दवा की जरूरत पड़ जाए और फिर वो वहाँ पे मिले ना मिले या कितनी दूर जाके मिले हमें नहीं पता, तो इट्स बेटर कि जो भी बेसिक दवाइयाँ हैं वो अपने साथ रखिए। एंड तीसरा चीज़ जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कैसे टॉयलेटरी बैग। मैं ऐसे अलग से रखती हूँ, और ये बहुत अच्छा है कि आप अलग से अगर एक ऐसा बैग रखें जिसमें आपकी नो टूथपेस्ट, टूथब्रशेस हों और क्रीम, मॉइस्चराइजर हो। इनफैक्ट मेरा टॉयलेटरी कम मेकअप बैग है ये, तो मैं इसमें अपना मेकअप का सामान भी रखती हूँ। तो ये हमेशा अच्छा रहता है कि आप अलग से रखिए, तो सो दैट कि, नहीं तो कोई लोग क्या करते हैं ना, अपने साइड पॉकेट में इधर उधर रख देते हैं और फिर ढूंढने में मुश्किल होता है कहाँ है कहाँ है। तो इट्स बेटर कि आप अपना जितना भी टॉयलेटरी का सामान है, कॉम है, मेकअप है या बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो एक अलग से बैग में रखिए, सो दैट जब भी आपको इस टाइप के सामान की ज़रूरत हो तो अलग से बैग निकाल के आपके लिए बिल्कुल अंदर मैसी नहीं होगा। तो यस, मेरी वूलेंस हो गए, मेरी मेडिसिन मैंने रखी, मेरा टॉयलेटरी का पूरा सामान, जैसे कि मैंने अपना इसमें सोप, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, वो सब रख लिया है। यस, और मैंने मेकअप का सामान भी रख लिया, जो मैं तो बहुत कम रखती हूँ, और अगर आप बहुत ज़्यादा जो भी तकलीफ लगाते हैं, मस्कारा, काजल, लिपस्टिक, ब्लशर, ये वो तो सब अपना एक साथ रख लीजिए। ये मेरा हो गया। तीसरा है ड्रेस, ऑफ कोर्स ड्रेसेस, जो भी आप अगर घूमने फिरने जा रहे हैं तो ड्रेसेस तो पहनेंगे अच्छी अच्छी, तो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए जो भी ड्रेसेस आप हैं ना वो पहले से निकाल के रख लीजिए बैग में कहीं पे भी, और उसके बाद उसको एक एक करके बैग में रख दीजिए। तो मैंने ड्रेसेस भी रख ली हैं, और फिफ्थ नंबर क्या है ड्रेसेस के बाद, ओके, ज्वेलरी। यस, जो भी आपको ज्वेलरी पहनी है, यू नो, एयर रिंग है, हेयर बैंड है, मतलब जो भी है, जो भी आपकी एसेसरीज हैं या ज्वेलरी हैं, रिंग्स हैं, वॉट एवर, वो सब भी आप एक अलग से बॉक्स या अलग से बैग बना के रखें, सो दैट कि आपका वो मैसी नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये सारा सामान रखिए। तो वही मैं सारा सामान लिस्ट बना के रख लिया है और रखती जा रही हूँ। और यस, शूज़ वो मैं सबसे लास्ट में रखूँगी, और उसके लिए मैं एक अलग से बैग कैरी करूँगी, चाहे तो छोटा ही हो, क्योंकि वो बैग में रखना मुझे सही नहीं लगता है। इट्स बेटर कि एक शूज़ के लिए, स्लीपर्स के लिए आप एक अलग से बैग रखें। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपका 2 या 3 दिन का छोटा ट्रिप है, तो आप बहुत ज़्यादा शूज़ मत रखिए, एक जोड़ी आप पहन के जाइए जो आपके पैर पे रहेंगे, और एक आप लेके जाइए। जितना कम सामान रहेगा ना, उतना आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे।
अपने आउटिंग को, अपने वेकेशन को. नहीं तो क्या होता है ना सामान हम भर लेते, यार ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ, और फिर हम अपना लगेज ही कैरी करने में लगे रहते हैं. तो यस, तो माथेरन में ना, जो माथेरन फेमस है टॉय ट्रेन के लिए और अपने ब्यूटीफुल व्यूज के लिए और बहुत अच्छे वेदर के लिए, और इस मौसम में जाना बहुत अच्छा रहता है. लेकिन हमें पता चला कि टॉय ट्रेन अभी नहीं चल रही है, ऑल्दो हम लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे टॉय ट्रेन के लिए ही. लेकिन होपफुली आई विश कि वहाँ जाके हो सकता है टॉय ट्रेन हमें मिल जाए. लेकिन जब भी थोड़ा सा भी वहाँ पे वेदर ख़राब होता है तो टॉय ट्रेन वो लोग बंद कर देते हैं. और सुना है कि अभी इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा रास्ता ख़राब हो गया, इसलिए टॉय ट्रेन बंद कर दी है. लेकिन आई होप टॉय ट्रेन चल रही है और हम लोग टॉय ट्रेन के भी मज़े ले पाए. लेकिन फिर भी माथेरन सुना है कि बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, तो वो डेफिनेटली आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, ट्रैवल व्लॉग में देखेगा माथेरन. मैंने भी नहीं देखा है, बस सुना ही हुआ है कुछ कैसा है. तो बस ये मेरी पैकिंग चल रही थी. और क्या है, अगर मैं उसे कुछ सामान भूली तो नहीं हूँ. ऐसा क्या होता है ना गाइस, बहुत छोटे 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 सामान होते हैं, चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि वो भी रखनी चाहिए. तो वो मैं अभी एक बार पूरा रिकॉल करूँगी, जो जो सामान रख लिया है. लिस्ट बना के रखने से बहुत ईजी हो जाता है. चेक करिए, बैग में रखते जाइए. और फिर अभी जो छोटा छोटा मुझे सामान रखना है वो भी चेकआउट कर लूँगी. जैसे कि पता नहीं मेरे ख्याल से तो मैंने सबकी लिस्ट बना ली है, रख भी लिया है. तो बस यही गाइस. और आप लोग इस बार विंटर्स में कहाँ जा रहे हैं घूमने, मुझसे शेयर करेगा प्लीज़ अब नीचे कमेंट सेक्शन में. और मुझे लगता है कि साल में ना 2 या 3 आउटिंग तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि डेली वही लाइफ सेम रूटीन, उठो खाना बनाओ, ये करो वो करो, घर के काम करते करते जो बोरिंग लगने लगती है लाइफ. तो ऐसे बीच में जब ऐसे एक्साइटमेंट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है. और फिर आप नई नई जगह एक्सप्लोर भी करते हो, नई जगह घूमते हो, नई चीज़ें देखते हो, नई चीज़ों के बारे में जानते हो, और सबसे अच्छी चीज़ें मूड फ्रेश हो जाता है, फिर से लाइफ एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट होती है. तो इसलिए ऐसे वेकेशन कर लेने चाहिए, एक गर्मियों में करिए, एक विंटर्स में करिए, और एक बीच में और कर लीजिए. तो बस हो गया. तो यस, ऐसा है, मेरा पैकिंग वैकिंग चल रही है, तो टाइम लगेगा अभी थोड़ा पैकिंग करने में. तो ये देखिए, सभी पैकिंग चल रही है मेरी. आधा सामान मैंने बैग में रख लिया है, और अभी ये बिखरा सा है सारा सामान, ये सब भी रखना है. एंड दक्ष की मस्ती चल रही है, इससे इसकी मस्ती चल रही है, ही इज़ ऑलवेज ऑन. तो दक्ष, आप कितना एक्साइटेड हो माथेरन जाने के लिए? यहाँ से जो डिस्टेंस है माथेरन का, मतलब पुणे से, वो अप्रॉक्सीमेट 120 किलोमीटर है शायद, मैं आई एम नॉट श्योर, बट 2 से 2.5 घंटे का टाइम लग रहा है. और हम लोग जा रहे हैं बाई ट्रेन, जो कि कतरस तक जाती है ट्रेन. फिर वहाँ से माथेरन के लिए टॉय ट्रेन या फिर वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह चलते रहते हैं जो माथेरन तक ले जाते हैं. लेकिन बेस्ट पार्ट माथेरन की ये है कि वहाँ पर एक पॉइंट पे आके माथेरन ऊपर ना, आपको सिर्फ या तो आप पैदल जा सकते हो या घोड़ा करके जा सकते हो. वहाँ पे व्हीकल अलाउड नहीं है, और ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसी की वजह से जो वहाँ की एयर है वो फ्रेश होगी, पॉल्यूशन फ्री होगा वो एरिया. तो चलिए चल के देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है. और बस ठीक है गाइस, तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे. अभी बहुत सारे काम है, रियली बहुत काम है, पैकिंग करनी है, कल की तैयारियाँ करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अभी का वीडियो यहीं तक, बाय.